बेसिकली एटमाइजर क्या समझाता हूँ तुझे, क्या है बेसिक भाषा में, कटिंग कराने गए हो, पंप होता है, पानी आता है, फुस 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 फुस, अरे आता है ना भाई, मान ले तू से कटिंग कटिंग करा तो तू नहा के तो जाता नहीं है साले, तो तेरे पानी तेरे चेहरे को गीला करता है, तेरे सर को गीला करता है, फुस फुस फुस, उसमें पानी नीचे भरा होता है फिर भी आता है, बहुत सिंपल फंडा, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बेसिकली होता क्या, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ, ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसके फंडे आपके थोड़े एयर में भी लगते हैं, जैसे आपने देखा तो तूफान आता है, क्या आता है, तो भाई साहब छतों की छतें उड़ जाती हैं, अंदर गिरती है बाहर, ऐसा क्यों? हाँ लोअर प्रेशर होता है, क्यों होता है, छतें उड़ जाती, तुमने देखा हो तो तूफान में तीन टप्पड़ गायब ऊपर के ऊपर, क्यों? ऊपर कब उड़ सकता है वो, जब नीचे से फोर्स ज्यादा और ऊपर से, ऊपर की एयर है तीन टप्पड़ भी जुर जुर बहुत तेज जा रही है, अरे भाई हाँ ना बोल यार, अब बहुत तेज जाएगी तो क्या कम हो जाएगा, क्योंकि वो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज, तो V तो बढ़ गया, अरे क्या बढ़ गया, पर क्या कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, और नीचे जो कमरे में हवा है, इसे तुमने देखा हो तो तूफान में कई बार अगर मैं छत नहीं उड़ानी हो तो खिड़की खोल लो, खिड़की हालांकि रिस्की लगता है पर ये ज्यादा सेफ है घर निपटाने से, तो क्यों बंद कर लिया, अंदर तो हवा कुछ ही नहीं, वो प्रेशर पी नॉट ही है, और ऊपर हवा चल रही तो प्रेशर कम हो गया, तो नीचे प्रेशर ज्यादा और ऊपर कब आए गायब, सन्नाटा पहुंच गया बल, अरे भाई यही तो एयर लिफ्ट भी है, जो प्लेन कैसे उड़ता है प्लेन किसे उड़ता है, दारू पी आया क्या, प्लेन के नीचे इंजन होते हैं ब्लोअर्स जिन्हें कहते हैं, वो हवा को काटते हैं, अब सोचना मैं पूरा नहीं बताऊंगा, वो हवा को, तो जो विंग्स के ऊपर और नीचे प्रेशर में वेरिएशन आ जाता है, विंग्स के देखने के लिए लगाते हैं क्या, लिफ्ट के लिए, तो बेसिकली जो आपके इंजन होते हैं दोनों तरफ वो हवा को काटते हैं बेसिकली, तो वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कहां पे, नीचे और ऊपर, विंग्स के नीचे और ऊपर, वो जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो अपने को लिफ्ट करता है, थोड़ा सा और सोचना मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, पर तुम्हें खुद ही को समझ में आएगा, हालांकि दिस इज नॉट अवर कोर्स, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, खैर मैं क्या पढ़ा रहा था, हाँ एटमाइजर, अभी देखिए इसमें सिंपल, वो जो पानी फुसफुस करता है इसमें कुछ नहीं करते अपन, ऐसे हवा फेंकेंगे, तो सोच जब अपन यहां से यहां हवा फेंकेंगे तो सिंपली होता क्या है कि यहां का प्रेशर क्या पी हवा के दबाव की वजह से, हवा अपन इसे अपन रफ्तार दी अपने हाथ की एनर्जी से, तो क्या कम हो गया, क्या कम हो गया, प्रेशर कम हो गया लेस देन पी नॉट, पर यहां पे कितना है, अरे यार हाँ ना बोल, तो पानी कहां से कहां जाएगा, हायर प्रेशर से, जब ये पानी यहां पहुंचता है तो रफ्तार की वजह से ये छीटों के रूप में बाहर आता है, वेरी सिंपल, अरे यार हाँ ना बोल, आप सिंपली सोचा आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो स्ट्रॉ से, शक करते हो नहीं करते, फिर भी आप मुंह में पानी आता है, क्यों, क्या करते हो आप, हवा गायब कर लेते हो, तो जो पानी थी में जो प्रेशर था पी नॉट वो तो गायब ही हो गया, सांस तो तू पी गया, जो उसके अंदर एयर थी वो तो तू, तो उसका प्रेशर, अरे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक पिला के बताता हूं स्ट्रॉ के साथ तो ज्यादा फील आएगी, क्या कहते हो यार, मैं जानता था जहर पिला देना मैं, अब ऐसे स्ट्रॉ है मान, अब तू इसे शक करता है इसको, तो इसके अंदर ही पूरी एयर, ऐसा तो नहीं तो स्ट्रॉ रखे और शक मत करना वजह से तो पानी आ जाएगा क्या, पानी तू कुछ तो करता है, तू बेसिकली इसके अंदर की पूरी एयर को शक, साला यहां प्रेशर पी नॉट रहता है, रहता ही नहीं, तो पानी सर्ट रफ्तार में ऊपर,
था, कोल्ड ड्रिंक जो भी मतलब भर रखा है, पानी नहीं आता होगा, पानी भर लेगा तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, मना कर देता होगा कोल्ड ड्रिंक ही आएगी। अरे यार, अरे है कि नहीं है, सिंपल फंड है नॉर्मल, द सेम इज विद एटोमाइजर जो आपको फुसफुस करने वाला है, बोलो चमका एकदम, वो जो ऐसे पंच करने वाला होता है वो भी, इट इज द सेम थिंग। अरे भैया हाँ ना बोले यार, फिर वो पानी बॉटल जाती है बाहर आती है, इसे बोलते हैं एटोमाइजर। क्या बोलते हैं? लिख लो तेरे को जो लिखना हो।